हम अपने बच्चों को घर में छोड़कर, बुजुर्गों को आज घर में छोड़कर, बीमारों को छोड़कर इसका स्यापा करने आए हैं। इस मोदी को समझ लेना चाहिए कि 219 में इसको गद्दी पे रहने का कोई हक नहीं। रसोईया का काम करती हूँ, हमें 1000 रुपये वेतन मिलता है, हमको और ज़्यादा मिलना चाहिए करके हम उस उद्देश्य से आए हैं। 1000 में हमको पूर्ति नहीं होती, ना हम बाल बच्चे पढ़ा सकते, ना लिखा सकते। दूसरे नौकरी वाले देखो तो ज़्यादा तनख्वाह मिल रहा है उनको। चूल्हे ते असी मर मर के खाना बनाने, सानू दिहाड़ी 30 रुपये दी जाती है। ये शर्म की गल है, ये सरकार की शर्म की गल है। हम खाना बनाते हैं स्कूल में, स्कूल के बच्चों को परसते हैं, देते हैं, बर्तन मांजते हैं, हमको पूरा दिन लग जाता है। हमारी जो पे है 18000 होनी चाहिए, हमें जो है मजदूरी का दर्जा दिया जाए। असी मोदी ने कहना चाहते हैं भी साड़ी जो मजदूरी है वो बधाई जावे, सानू हक साडा दित्या जावे। हमारे पीछे परिवार में 5-5 मेंबर हैं, अगर हमारा नहीं कुछ बना तो हम अपने परिवार वालों को कैसे कह देंगे भी वोट मोदी को डालो। जो कि झोपड़ी में रहते हैं, मजदूरी करते हैं, तो वो भी खा जाते हैं, क्या करें। सरकार से कोई सुविधा नहीं, कोई सुविधा नहीं, कोई सुविधा नहीं। सरकार से मजदूरी मिल रहा है पूरी, और क्या करते हैं, ये जाते हैं दाढ़ी का काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। रहने के लिए जगह भी नहीं है हमारे, जो कि झोपड़ी आज यहाँ गिर रहा, जो कि कल खाओ यहाँ से आगे चलो। ठेकेदार पैसा देता नहीं है मैडम। 1500 पर खट रहे हैं, 3000 पर खट रहे हैं, पेट पालन नहीं हो रहा है, किस तरह से हम करें। हमको मजदूरी तो कम से कम चाहिए, और ना ही हमारे को ये मजदूर मान रहे हैं। सुबह से लेके हम 2-3 बजे तक काम करती हैं, पहले बच्चों को खाना बना के देती हैं, फिर दूध का काम आ गया, बच्चों को दूध बना के देना, दूध के बर्तन साफ करने, टीचरों का भी काम करना। तो इतना काम होने के बावजूद हमारे को सिर्फ मिल रहे हैं एक दिन के 80 रुपए। असम में जो बीजेपी गवर्नमेंट है, केंद्र में जो बीजेपी गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट अलग अलग नहीं है, वो नीतियाँ के एक है। वो किसी का श्रमिक का काम नहीं करता है, कृषक का काम नहीं करता है, इसलिए हम लोग और दिल्ली का बस तो घेराव करता है, लाख लाख आदमी जा रहा है। हमारा मांग पूर करो, और पूर नहीं करो तो 19 निर्वाचन के मोदी को चेतना दिए के लिए हम लोग दिल्ली में आ रहा है। झारखंड में तो मजदूरों की स्थिति बहुत ही खराब है, वहाँ एक दो उद्योगों को छोड़कर किसी भी उद्योग में मिनिमम वेज लागू नहीं है। झारखंड सरकार ने 9 बिल पास किए, उस 9 बिल में से 3 बिल जो है वो मजदूर विरोधी हैं। उन्होंने आईटी एक्ट में संशोधन किया, उन्होंने फैक्ट्री एक्ट में संशोधन किया, और एक बड़ा संशोधन उन्होंने कर दिया है कि जहां पर 50 से कम मजदूर काम करेंगे वहां पर किसी तरह का श्रम कानून लागू नहीं होगा। तो श्रम कानूनों के ऊपर लगातार हमला किया जा रहा है, उसे बंद किया जाए, श्रम कानूनों को सही रूप से लागू किया जाए, किसानों को उनकी फसलों के दाम दिए जाए, लाभकारी मूल्य मिले, किसानों को कर्जा मुक्ति मिले, मनरेगा का सही ढंग से इम्प्लीमेंटेशन हो, 200 से ज्यादा दिन का रोजगार दिया जाए, और न्यूनतम 600 रुपए मजदूरी दी जाए उसके तहत। आपको रोज दिन दिहाड़े स्टे जाता है, एयरपोर्ट की से हवाई जहाज में जाता है, और जो लोगों को वो किराया कितना बढ़ा दिया है, पेट्रोल की कीमतें कितनी बढ़ा दी है, और जो तेल है उनकी कीमतें कितनी बढ़ोतरी कर दी है, इसलिए हम मोदी की सरकार का विरोध करते हैं। हमारे खेती को जो अनाज उगता है उसको सही दाम मिलना चाहिए, उसका जो आदान है आदान की कीमतें भी कम होना चाहिए, और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू करना चाहिए। ये सब हमारी हम मांगे लेके हम यहाँ पे आए हुए हैं।
और मोदी सरकार ने वादा किया था कि हम जो स्वामीनाथन मिशन की रिपोर्ट लागू करेंगे जो कुल खर्चे का 1.5 गुना देंगे, अब वो दे नहीं रहे और सिर्फ जुमले कर रहे हैं। हमें कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे लगाओ बेटी को, ये जो बेटियां हैं इनकी माँ ने इनको पढ़ाया लिखाया इतने बड़े किया, इस काबिल किया कि जॉब करें, हमें जॉब तो क्या मिलनी है, हमें तो सड़कों पे रुल रहे हैं, हमारे तो बच्चे भी सड़कों पे आ गए। ये मोदी सरकार जो है, मोदी सरकार ये कारपोरेट के ऊपर ही ध्यान दे रही है, हम किसानों की तरफ आज बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। देखिए इस वक्त बहुत खराब हालत है पूरे देश भर में मजदूर की और किसान की, उनका पूरे आज़ादी के बाद से लेकर आज तक इतना बुरा हाल कभी नहीं रहा, खाने के लिए नहीं है, जीवन को काटने के लिए जो जरूरी चीज़ है वो नहीं है, और ये खराब बात यह है कि सरकार के एजेंडे पर भी ये बात नहीं है। तो हम सरकार के ध्यान में ये लाने के लिए आए हैं कि ये वो लोग हैं जिनका घर घर से नाता है और इनको सरकार बदलना भी आता है। इंडियन एग्रीकल्चर लेबर एज वेल एज इंडियन ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स जॉइंट टुगेदर सिंस आवर इंडिपेंडेंस इज द फर्स्ट टाइम दैट वी आर हैविंग अ प्रोग्राम ऑन अवर बेसिक डिमांड। इट इज अ डिमांड व्हिच विल जनरेट इंडिया इन एम्प्लॉयमेंट, इट विल जनरेट अ डोमेस्टिक डिमांड, इट विल गिव अ ग्रेट इंपेटस टू द ग्रोथ ऑफ द नेशन। दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ मेयरली working class are present demand alone, it is a demand of the nation.